दोस्तों हमें कहीं पार्टी में जाना हो या फिर दोस्तों के साथ या फिर हम यूं कह लें कि हमें सबसे अलग दिखना हो तो हमें ड्रेसेस की पहचान बखूबी होनी चाहिए और इस बात में कोई दो राय नहीं कि लेदर जैकेट की पहचान हमें और आपको ना हो। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि लेदर जैकेट जितना अच्छा होता है उतना ही महंगा। इसके अलावा फैशन स्टेटमेंट का ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका फैशन स्टेटमेंट के लिए जाना जाने वाला लेदर जैकेट कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए क्या सच में जानवरों को मारा जाता है जिस वजह से इतना ज्यादा महंगा होता है। तो इन सभी इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो के जरिए, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में इस जैकेट से जुड़े हुए इतिहास और इसे बनाने के पीछे का कारण भी बताएंगे, ताकि आप भी तो जान सकें कि आप जिसको इतने प्यार से खरीदते हैं और पहनते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद या तो राज हो सकता है, तो उसे तो जानना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों लेदर जैकेट शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे पसंद नहीं होगा। लेदर जैकेट को आप हर मौसम में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कपड़ों की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला लेदर जैकेट सदियों पुराना है और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5000 BC पूर्व इस लेदर का इस्तेमाल जूते, चप्पल और बॉटल बनाने के लिए इजिप्ट के लोग इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा 3000 BC में रोमन एम्पायर के लोग भी इस लेदर को इस्तेमाल में लाया करते थे और इसका इस्तेमाल नाव चलाने में किया जाता था। हालांकि पुराने समय के लोग इस लेदर का उपयोग पेंटिंग के तौर पर दीवार पर लगाने के लिए भी किया करते थे, पर 90 सेंचुरी के दौरान पहले वॉर में इसे पूरी तरह से फैशन में उतार दिया गया। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लड़ाई के लिए पायलट्स को ये जैकेट्स दी गई थी ताकि वो ऊंचाइयों और सर्दियों में खुद को बचा सके। हालांकि इसके बाद सोवियत टैंक कमांडर शिमोन क्रिवोशीन ने रिफर जैकेट पर आधारित काले चमड़े का कोट पहना था। 1900 के दशक की शुरुआत में एविएटर्स और सेना के सदस्यों ने भूरे रंग के चमड़े की फ्लाइट जैकेट पहनी थी। पहले आधुनिक चमड़े के जैकेट्स में से एक A1 टाइप A1 को 1925 में चैपल द्वारा बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कपड़ों को बॉम्बर जैकेट के रूप में जाना जाता था और उनकी गर्मी के लिए अत्यधिक इंसुलेट और बेशकीमती थे। जैकेट अक्सर एक समग्र वर्दी पहनावा का हिस्सा होता था जिसका उद्देश्य बम वर्षक पायलटों को उच्च ऊंचाई पर पाए जाने वाले चरम जलवायु परिस्थितियों के संपर्क से बचाने के लिए होता था और अक्सर गर्मी के लिए अंदर पर बरकरार ऊन का उपयोग करके चरम पत्र को शामिल किया जाता था। रूसी बोल्शेविकों ने आमतौर पर चमड़े की जैकेट पहनी थी जो रूसी गृह युद्ध के दौरान और बाद में चीका के सदस्यों के लिए कमिसारों के लिए एक अर्धवर्दी बन गई थी। याकोव सेर्दलोव ने कथित तौर पर इस प्रथा की शुरुआत की थी। हालांकि इन सभी के बाद साल 1928 में लेदर जैकेट को हम तक पहुंचाया गया और इस जैकेट का लुक बिल्कुल एक बाइक राइडर की जैकेट की तरह होता था जो सिर्फ उस समय $550 का हुआ करता था और ये उस समय का 400 रुपए तक का था। और ऐसे में जब ये जैकेट मार्केट में लाया गया तो इस जैकेट का क्रेज धीरे धीरे लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल पहले तो टीवी सीरियल और मूवीज में किया जाने लगा, क्योंकि पहले जो नई चीजें आती हैं वो बड़े लोगों के हाथ लगती हैं, उसके बाद उनका फैशन ट्रेंड हम आम जनता तक पहुंचता है। लेकिन जो भी हो इस जैकेट का जोश लोगों के अंदर काफी उमड़ चुका था जिसे स्टेटस सिंबल और फैशन का बेस्ट ऑप्शन कहा जाने लगा और यही वजह है कि आज इतने सालों बाद भी इसका नशा लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। पर ये तो बात हुई लेदर कैसे और कब हम तक पहुंचा। अब आप ये भी जानिए कि लेदर बनाया कैसे जाता है और ये आता कहां से है और क्यों ये इतना ज्यादा महंगा होता है। हालांकि एक बड़े समय से लेदर को बनाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता रहा है और ऐसा आज भी किया जाता है, जिसमें हिरन की खाल, बकरी की खाल, भेड़ की खाल, घोड़े की खाल, काउहाइड चमड़े की जैकेट बनाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली खाल है। जैसे ही मांस को मशीन के जरिए जानवर की त्वचा को हटा दिया जाता है, इसे रेफ्रिजरेटेड नमकीन या ब्राइन के बैरल में पैक किया जाता है। इसके बाद इसे चमड़े के कारखाने में भेजा जाता है जहां खाल को संरक्षित और नरम करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। सिलाई सामग्री जैसे धागा, अस्तर, सीवन टेप, बटन, स्नैप और जिपर आमतौर पर बाहरी विक्रेताओं से खरीदे जाते हैं और परिधान कारखाने में संग्रहित किए जाते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जब जानवरों की खाल निकाली जाती है तो जानवरों के मांस को 6 से 7 घंटे में ही इस्तेमाल में ले आया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जानवरों के मांस को संरक्षित करके उन्हें कई प्रोसेस से गुजारा जाता है और उसे आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है।
जिसके बाद उसे कलर करके उसे साइज के हिसाब से काटा जाता है, जिसके बाद इसे लेदर मैन्युफैक्चरर के साथ आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। लो लेदर करीब 120 के बंडल में आती है, जिसमें एक ही जैसी शीट्स को इकट्ठा किया जाता है, और इस तरह एक जैकेट को बनाने के लिए करीब 7 से 8 शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब इसकी शीट्स को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद इसमें स्टिचिंग और कटिंग के काम को अंजाम दिया जाता है। हालांकि ये काम सबसे मुश्किल है, क्योंकि अगर एक बार स्टिचिंग कर दी जाती है तो उसे बदला भी नहीं जाता, और ऐसा इसलिए कि अगर उसे बदला जाएगा तो जैकेट पर जो सुई के निशान बनते हैं उससे जैकेट खराब हो जाते हैं। इस तरह बड़ी ही मुश्किल और शिद्दत के साथ एक लेदर जैकेट को तैयार किया जाता है, जिसके बाद उस जैकेट पर सिलाई मशीन का तेल डालकर उसे फिनिशिंग दी जाती है। जैकेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बड़े महंगे आते हैं। एक बार इसे खरीद कर आप सालों साल तक पहन सकते हैं। इन जैकेट्स को पॉलिश कराकर 10 साल बाद भी एकदम नया किया जा सकता है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना होता है कि आपकी जैकेट में सिलवटें ना आए। अगर एक बार सिलवटें आ गईं तो आपका जैकेट खराब हो जाता है, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। हालांकि बात की जाए जैकेट्स की वैरायटी की, तो हम आपको बता दें कि जैकेट्स की वैरायटी में भेड़ की खाल की बनी हुई जैकेट को ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि भेड़ की खाल काफी ज्यादा मुलायम होती है। हालांकि आप इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि मगरमच्छ के खाल से बनी हुई जैकेट अब तक की सबसे महंगी जैकेट के तौर पर जानी जाती है। क्रोकोडाइल्स के चमड़े से बने हुए जैकेट सिर्फ बाजार में आपको 1% ही मिलेंगे, जो कि गुची और पैराडा जैसी नामी कंपनियां बनाती हैं। अधिकांश आधुनिक चमड़े की जैकेट का उत्पादन पाकिस्तान, भारत, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है, जो मांस उद्योग से बचे हुए खाल का उपयोग करते हैं। लेकिन जो भी हो, आज लेदर जैकेट इतना ज्यादा लोगों के बीच फैशन स्टेटमेंट बना हुआ है कि हर कोई इस जैकेट को अपना चुका है। हर किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को लेदर के जूते, चप्पल, बेल्ट, वॉलेट या फिर जैकेट के साथ देखा जाता है। आज इस चमड़ा उद्योग ने इतने ज्यादा पांव पसार लिए हैं कि कई लोगों को भी इससे फायदा होता है और बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार भी मिला है। देखा जाए तो ये काफी हद तक सही है, लेकिन कई जगह इसे लेकर नुकसान भी है, और वो इसलिए क्योंकि बेजुबान जानवर इस चमड़ा उद्योग की वजह से मारे जाते हैं। न जाने हर साल कितने जानवर चमड़ा उद्योग की वजह से अपनी जान गंवा देते होंगे, जिसका कोई हिसाब नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।